ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, वित्तीय समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवा विभाग, और शुभमोए भट्टाचार्य जी, आर्थिक विश्लेषक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। समाज के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को और ऐसा वर्ग जो हाशिए पर रहा है उसको अर्थव्यवस्था से और एक फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने के मकसद से और उनका आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण के उद्देश्य से आज से 10 साल पहले एक अहम योजना लाई गई थी जिसे प्रधानमंत्री जनधन योजना का नाम दिया गया था। आज इस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए और इस योजना से अब तक भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है और आंकड़ा भी कहता है कि अब तक 53 करोड़ नागरिकों के खाते इस योजना के तहत खोले गए हैं। आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भी अपने एक सोशल मीडिया संदेश में इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई प्रेषित की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि जो बैंक खाते हैं उससे जो लघु बचत है, योजनाएं हैं, बीमा और जो क्रेडिट की योजनाएं हैं, ऐसी तमाम योजनाओं को पूरा करने में और औपचारिक वित्तीय सेवाएं देने में पीएम जनधन योजना ने पिछले एक दशक में देश के बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। तो आज हम इस योजना पर बात करेंगे, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे इस योजना से संबंधित और कुछ उपलब्धियों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ दो विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हैं। स्वागत हम करना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रशांत गोयल का और साथ में हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी भी कार्यक्रम में शामिल हैं। आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर प्रशांत गोयल, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि 53 करोड़ नागरिकों का जो बैंक खाता इस योजना के तहत 10 वर्षों में खोला गया है, इसे आप कितनी बड़ी उपलब्धि देखते हैं और साथ ही अगर 53 करोड़ लोग एक आर्थिक समावेश में आते हैं एक योजना से तो एक अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये कितनी बड़ी उपलब्धि या कितना बड़ा एक सकारात्मक संकेत माना जाए? जहां तक उपलब्धि का बात है कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत में इस समय 100 करोड़ के आसपास लोग जो है वो 18 वर्ष के ऊपर की आयु के हैं। तो अगर हम इनमें से देखें कि हमने 53 करोड़ को हमने पीएम जनधन खाते से जोड़ा है तो इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा जो हमारी व्यस्त आबादी है, एडल्ट पॉपुलेशन है, तो उनको हम इस खाते से जोड़ चुके हैं। तो उस लिहाज से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ नंबर के हिसाब से बल्कि अगर देश में अगर हम ओवरऑल देखें, भारत की वित्तीय समावेश की जो बार बार चर्चा होती है, वित्तीय समावेश के हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसको कहूंगा। और इस उपलब्धि की सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा है कि ये इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा आंकड़ा भारत ने इतने कम समय में अचीव किया है। शुभमय जी, जब एक बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग व्यवस्था से या औपचारिक व्यवस्था से जुड़ती है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अमाउंट एक अर्थव्यवस्था में आता है। जैसे एक आंकड़ा है कि 2.3 लाख करोड़ रुपए जनधन योजना के तहत इससे इसके नतीजे में अर्थव्यवस्था में हैं और उनसे न सिर्फ अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है बल्कि जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग है जिनके खाते खोले गए हैं उनको भी अर्थव्यवस्था में शामिल होने से लाभ पहुंचा है और इसमें 67% खाते ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। कैसे आप इस आर्थिक समावेश को देखते हैं? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो भारत की जो इतनी बड़ी आबादी जनधन खाते के तहत एक फाइनेंशियल सेक्टर में आ गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होता है? तो मैं पहले एक चीज कहूंगा कि अगर हम 2011 की बात करें, जब हमारा पहला रिकॉर्ड था उस वक्त हमारे 50% लोगों के पास बैंक अकाउंट थे, वो अभी बढ़ के 80% हो गए हैं। 50% वो थे क्योंकि जो स्टैंडर्ड जो नॉर्मल बैंक अकाउंट के जरिए इकोनॉमी में आए थे बैंक अकाउंट से, ये जो 30% एक्स्ट्रा दिया जिसके चलते 80% भारत के एडल्ट पॉपुलेशन अभी बैंकिंग सेक्टर में जुड़ गए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव है। इतना कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि अपने आप में एक जिसे कहते हैं मोस्ट रिमार्केबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में सोशल इंक्लूजन का किसी भी दुनिया में माना जा सकता है। मैं मानता हूं इसमें कि ये लोग जिनके पास फाइनेंशियल कोई रिकग्निशन ही नहीं था, इनके पास बैंकिंग में क्रेडिट में कोई हिसाब ही नहीं था,
वो आज इस खाते में आ चुके हैं और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया हुआ है हमारा यूपीआई यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कि आज आप किसी भी गांव में शहर में कहीं भी आप पहुंच जाइए तो किसी भी कोई भी क्षेत्र में इनफॉर्मल सेक्टर हो कोई भी बंदा हो वो आपको कोई भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले एक क्यूआर कोड पकड़ा देगा कि हाँ आप इस क्यूआर कोड से आप पेमेंट कीजिए। ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक नया परिभाषा बन गया है इतनी बड़ी आबादी में, ये मैं मानता हूं एक जिसे कहते हैं मैं एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट की तरह मैं इसको देखता हूं कि एक लोगों को आर्थिक स्वाधीनता मिली है और ये इसका मूल्य बहुत ही ज्यादा है और इसका हम जस्ट शुरुआत के बेनिफिट्स ही हम लोग देख रहे हैं जो जैसे यूपीआई के थ्रू से देख रहे हैं, इसके बेनिफिट अभी और ज्यादा साझा बेनिफिट जो है अभी आने बाकी है। तो जैसा कि डॉक्टर प्रशांत गोयल अभी शुभमय जी बता रहे थे कि और ज्यादा बेनिफिट्स आने वाले समय में इसके हमें देखने को मिलेंगे, हमने देखा है कि जब एक इस तरह की योजना आती है तो मकसद सिर्फ बैंक खाता खुलना नहीं होता बल्कि अर्थव्यवस्था के दूसरे लाभ भी बैंक खाते के जरिए एक नागरिक तक पहुंचते हैं और इसमें हमने देखा कि जैसे बैंक खाते के साथ साथ डेबिट कार्ड देना, रुपए कार्ड भी जारी किए गए और इसके अलावा जो बीमा है वो भी कवर किया गया है, तो ऐसी तमाम सुविधाएं किस तरह से एक कहें कि जन सुरक्षा आर्थिक तौर पर प्रस्तुत करती है और कुछ फीचर्स भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं इस योजना की कि कैसे बैंकिंग खाता खोलने के अलावा इस योजना से नागरिकों को लाभ मिल रहा है। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी तो सबको बैंक खाता देना उसका एक पार्ट था लेकिन मैं बोलूंगा कि इसके और भी कई अंश थे। जो आपने जन सुरक्षा की बात कही है तो जो इसके साथ में जनधन योजना के साथ में उसी टाइम स्कीम शुरू की गई थी जिसमें है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये बीमा योजनाएं जो हैं वो बहुत ही कम प्रीमियम के साथ आती हैं और इनका जो प्रीमियम है वो सीधा खाते से कटता है। तो इन दोनों स्कीमों का लाभ उठाने के लिए योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि लाभार्थी के पास एक बैंक खाता हो। अटल पेंशन योजना जो है उसमें भी यही है कि बैंक खाते में से ही आपकी राशि कटेगी, जिससे एक तो मैं बोलूंगा कि जो फेक लाभार्थी हैं वो नहीं आ पाते हैं, दूसरे ईज ऑफ ट्रांजेक्शन बड़ी आसानी से आपकी ट्रांजेक्शन हो जाती है। जो इसमें स्कीम में आगे चल के किस तरह के लाभ लोगों को मिलेंगे तो उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जब लोग अपने खाते को ऑपरेट करते हैं, उसका यूज करते हैं, उसमें पैसा डालते हैं, पैसा निकालते हैं, तो बैंक को पता लगता है कि ये जो एक हमारा कस्टमर जो है उसके बैंक खाते में पैसा आता है जाता है तो एक अच्छा कस्टमर है, तो उसको आगे जो फर्दर लोन लेना है, क्रेडिट लेना है अपनी किसी भी जरूरत के लिए, घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो बहुत आसान हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर एक आदमी के पास बैंक खाता ही नहीं है तो क्या वो बैंक के पास लोन लेने के लिए जा भी पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ी सोच थी उस टाइम जब ये स्कीम शुरू की गई थी और आगे चल के जैसे यूपीआई के बाद आप डायरेक्टली खाते में दुकानदार जो है पैसा ले रहे हैं तो बैंकों को पता लगता है कि इनकी इनकम किस तरह से है, तो अगर ऐसे जो दुकानदार हैं बैंकों के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो निश्चय ही बैंक उनको लोन देने के लिए ज्यादा अग्रसर। शुभमोय जी, जन सुरक्षा की बात मैं आपसे भी करूंगा, जब एक नागरिक के पास एक औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का अवसर होता है, उसका बैंक खाता होता है, उसके बीमा कवर या और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं एक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के बाद, तो किस तरह से उसमें एक विश्वास पैदा होता है और किस तरह से वो खुद को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर महसूस करता है। जैसे महिलाओं के ही हम उदाहरण लें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में 55% खाते महिलाओं के हैं जो कि इससे पूर्व शायद ये आंकड़ा जनधन योजना से पहले नहीं था। आपको क्या लगता है कि कैसे इस योजना ने जन सुरक्षा के साथ साथ एक आत्मनिर्भर बनाया है नागरिक को आर्थिक तौर पर? जी, जैसे मैं कह रहा था कि ये एक आर्थिक इंडिपेंडेंस का एक माहौल तैयार किया है, प्रस्तुत किया है और ये इसकी जो लाभ है वो हमें धीरे धीरे अभी बहुत व्यापक तरीके से मिल रहा है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक रिपोर्ट इश्यू किए हैं। इस रिपोर्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताया गया है, ये दिलचस्प बात यह है कि जहां पे ये जिन जिन स्टेट्स में पीएम जनधन योजना का प्रसार बहुत खूब हुआ है उन स्टेट्स में अल्कोहल और टोबैको कंजम्पशन कम हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहां पे जो निचले तबके के लोग होते हैं वो पैसा का ठीक तरह से बटोरना समझना नहीं पाते हैं और बहुत बड़ी फजूल खर्ची में, इस तरह के खर्च में जो परिवार के लिए काफी हानिकारक है उसमें खर्च कर देते हैं, लेकिन जब पेमेंट डायरेक्टली बैंक में जा रहे हैं और जैसा आपने इंडिकेट किया
कि बहुत सारे पेमेंट अभी भारत सरकार ने कर दिया है कि महिलाओं के साथ शुरू से ही जाएगा, महिलाओं के अकाउंट से जाएगा। पहले बैंकिंग सिस्टम में हमारा ये लक्ष्य था कि हर परिवार में एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए। जब से जनधन स्कीम आया है तब से वो आया कि नहीं, हर परिवार ने हर एडल्ट को, जैसे गोयल साहब बता रहे थे, हर एडल्ट को एक अकाउंट मिलेगा। ये करने से फायदा क्या है कि टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरी बहुत खूब बन गया है। तो डायरेक्टली भारत सरकार, राज्य सरकार भी कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्टली महिलाओं के खाते में पैसे भेज रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको अपने पैसे के प्रति कंट्रोल आ गया है, और वो कंट्रोल के वजह से वो जो घर में, मान लीजिए उनके पति कुछ, जब सबके अकाउंट, मतलब डायरेक्ट एक हाउस और कॉमन अकाउंट था, उसमें से पैसे उठा रहे थे, या दूसरे तरीके से जब कैश आ रहा, या जब कैश में ही उनके पास पैसा आ रहा था, तो वो पैसा चला जा रहा था अल्कोहल या टोबैको कंजम्पशन में, उसका जरिया काफी कम हो गया है। ये बहुत बड़ा सोशल रेवोल्यूशन भी है, और ये ऐसा नहीं कि एक आध आदमी से पूछ के कुछ कुछ इंसिडेंस आपको पता चल रहा है, ये डायरेक्ट डेटा दिखा रहा है कि जिन स्टेट्स में जनधन योजना का भरपूर प्रसार हुआ है वहां पे अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन निचले तबके में कम हुआ है। इसको आप अगर सोच ही सकते हैं कि कितना बड़ा इसका बेनिफिट स्वास्थ्य के लिए, परिवार के हित के लिए, उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कितने सारे स्टेप्स वो लोग तय कर चुके हैं एक सिंपल इस तरह का ट्रांसफर के सिस्टम से। तो निश्चित रूप से आपने जैसा कि बताया कि आर्थिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक परिवेश में भी इससे हमें इसके परिणाम और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। डॉक्टर प्रशांत गोयल, अगर हम डिजिटल लेन देन या जिसकी अभी बात कर रहे थे यूपीआई की, उसके अलावा हम पूरे समझे पूरे तंत्र को कैसे इस योजना ने विकसित किया है, क्योंकि हम जब जेम की बात करते हैं, जनधन आधार और मोबाइल को लिंक करके एक नागरिक को पूरा एक तंत्र दिया गया जिसमें कि वो अपनी कमाई, अपना पैसा एक तंत्र में डालते हुए उसका एक सकारात्मक इस्तेमाल कर रहा है, और जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भी वो पारदर्शी तरीके से अपने खाते में सीधे हासिल कर रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए, जिसमें हम कहते हैं कि कुछ शब्द मिलते हैं त्वरित, निर्बाध और पारदर्शी, इन तीनों तरीके से उसको ये लाभ मिल रहा है। तो कैसे इस योजना ने इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल तंत्र को विकसित किया है, और गांव गांव में किस तरह से लाभ को पहुंचाने में बैंक खातों के खुलने से मदद मिली है? एक्चुअली जो हमारे यूपीआई जो सिस्टम जो है पेमेंट वाला, जिसके थ्रू हम क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा लेते हैं या पैसा देते हैं, मेरा मानना है कि इसके पीछे जनधन योजना ही है, क्योंकि अगर जनधन योजना नहीं होती तो हमारे आधे से ज्यादा जो लोग हैं उनके पास तो बैंक खाता ही नहीं था। तो अगर मान लीजिए मैं एक सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, तो सब्जी खरीदने, मैंने सब्जी बेचने वाले को पेमेंट करनी है, तो अगर उसका खाता नहीं है तो मैं डिजिटल पेमेंट के थ्रू उसको भुगतान नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत ही बड़ा रोल रहा है जनधन खातों का, और उसके साथ में आधार जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, क्योंकि आधार के साथ खाता लिंक है, आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, और जो टेलीफोन का, हमारे मोबाइल फोन का हमारे देश में प्रसार हुआ, इन तीनों का जो लाभ है आज की डेट में हमारे लोग उठा रहे हैं। और अभी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है कि सीधे खाते में आपका सब्सिडी का पैसा आएगा, उसमें यह है कि जो खाते हमारे आधार से जुड़े हुए हैं तो सरकारी विभाग जो है वो सीधा आधार के थ्रू जो भी अकाउंट लिंक है उसमें पैसा डाल रहे हैं। तो इसमें जो भी हमारे बीच में किसी भी प्रकार के, मान लीजिए हम मिडिलमैन बोलें या जो भी बोलें, जिनके द्वारा जो बेनिफिशियरी को पूरा पैसा मिलने में दिक्कत आ रही थी, तो सारा का सारा गवर्नमेंट स्कीम का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में जा रहा है। तो इसमें हम ये बोलेंगे कि ऑलमोस्ट जो पिल्फरेज है वो जीरो हो चुका है, क्योंकि खाते में सीधा सरकारी विभाग से जो पैसा है वो सीधा बेनिफिशियरी के, लाभार्थी के खाते में जा रहा है। तो ये जो पूरा यूपीआई सिस्टम है, जो पूरा आधार लिंक जो बैंक अकाउंट है, तो इनका लाभ निश्चित रूप से जो हमारे आम नागरिक हैं उनको मिल रहा है। शुभमोह जी, अगर हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की यहाँ बात कर ही रहे हैं, तो कैसे आपको लगता है कि इस योजना ने जो तमाम दूसरी योजनाएं हैं उसको आधार दिया, चाहे वो हम प्रधानमंत्री आवास योजना लें या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, और जो विशेष वर्गों के लिए अलग अलग पेंशन स्कीम, सब्सिडी स्कीम चलाई जाती हैं, उनको भी किसी बिचौलिए के बिना सीधे खाते में ट्रांसफर करके लाभार्थियों तक पैसा मिले, इन तमाम योजनाओं का कैसे ये एकमात्र बैंक खाता खोलने की योजना एक आधार बनी है? बिल्कुल, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे और कि किस तरीके से जनधन स्कीम एक तरह का प्लेटफॉर्म बन गया है सारे
फाइनेंशियल ट्रांसफर का, तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि कई दशक से भारत सरकार कोशिश कर रहे थे, राज्य सरकार भी कोशिश कर रहे थे कि जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के बेनिफिट लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, ताकि जैसे बिचौलिया के बिना ही वो डायरेक्टली उनके पास पहुंचे। और ये काफी मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि अब जो भी प्लेटफॉर्म तैयार करें पेमेंट के मैकेनिज्म, उसमें लीकेज का एक एक रास्ता बन ही जाता था। और ये लीकेज चलते चलते कुछ स्कीम्स में इतना ज्यादा हो गया था कि कई सारे स्कीम्स को प्रैक्टिकली वो मतलब सर जैसे डेड स्कीम बन गए थे। इन सारे वीकनेसेस को पार करते हुए जनधन ने सबसे पहले सरकार और लोगों के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है, जिस वजह से सरकार के लिए ये पॉसिबल हो गया है कि किसी भी स्कीम में जैसे ही स्कीम की घोषणा की जाए और स्कीम के लाभार्थी को कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है वो इमीडिएट हो जाता है। आज हम इस दौर पे आ चुके हैं कि अभी हम किसी भी स्कीम में फाइनेंशियल, जैसे ही बजट में अनाउंस हो जाता है या किसी डिपार्टमेंट के पास पैसा जाता है, डिपार्टमेंट उसको प्रैक्टिकली जैसे कहते हैं सिंगल बटन ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में, यानी कि सुबह में किया तो दोपहर तक ही सबके अकाउंट्स में वो पैसा आ जाएगा। इससे दो फायदे हुए हैं, एक लोगों को विश्वास आया है कि सरकारी स्कीम के पैसे हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं। एनआरईजीए में इतना बड़ा जो स्कीम फाइनेंशियल ट्रांसफर होता है, इसका पॉसिबिलिटी इसीलिए हुआ है क्योंकि इसके पैसे अभी किसी ब्लॉक के जरिए, किसी दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए वो पैसा, इतना बड़ा जो पैसा भेजा जाता है करीब 80,000 करोड़ का पैसा इतने लाख वर्कर्स को, वो अभी उनकी किसी की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उनके पास पहुंच जाता है। दूसरी बात यह है कि ये स्कीम के चलने से, जैसे मैंने कहा कि सबको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर स्कीम का घोषणा हुआ है, अगर सच में वो स्कीम है तो उसका पैसा इमीडिएटली बैंक में आ जाएगा, इसके लिए उनको किसी दूसरे का सहायता लेने की जरूरत नहीं है। और टेलीकॉम सेक्टर में चूंकि सबके पास मोबाइल आ गया है, इसलिए उस मोबाइल के जरिए उनको पता चल जाता है कि पैसा भी आ चुका है। दूसरी बात यह है कि कोई भी स्कीम का रूपरेखा, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होते, वो नेशनल लेवल पे इमीडिएटली किया जा सकता है। इससे फायदा क्या है कि आपको स्कीम ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, जितने स्कीम्स हैं उस स्कीम की भरपूर फंडिंग इमीडिएटली किया जा सकता है, वो पैसा सीधा चला जाता है लोगों में। यानी कि हम जब कहते हैं कि रूरल इकोनॉमी में या सेमी अर्बन इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश अगर सरकार करे या कुछ और बेनिफिट देने की कोशिश करे, जैसे हर जगह पे मध्य प्रदेश में लाडली स्कीम किया गया, इस तरह से स्कीम्स में जब पैसा देना होता है वो इमीडिएटली उसका असर दिख जाता है और वो इकोनॉमी में उसका स्पिन ऑफ देखने को मिल जाता है, क्योंकि वो भी फिर जब खर्च कर रहे हैं वो भी पैसा बैंक से उठाकर खर्च करने की उनको जरूरत नहीं है, वो सीधा उस पैसे से ही क्यूआर कोड से ही उनकी जो खर्च है, उनकी बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। यानी कि चोरी का जो माहौल जो क्रिएट हो सकता था वो कट गया है। और तीसरी बात यह है इसमें कि ये स्कीम्स चूंकि गवर्नमेंट टू पीपल के बीच का है, इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा चीज जो बनता है वो है लोगों का विश्वास कि हमारे लिए जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स हमारे पास आएंगे, हमें किसी से कुछ जाकर मिन्नत करने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस है ये एक किसी गणतंत्र के लिए बहुत बड़ा चीज है कि लोगों को अपने ऊपर विश्वास है, कॉन्फिडेंस कि भाई हमारे लिए जो हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जनधन स्कीम बहुत सारे देश ग्लोबल साउथ में इसको अपनाने के लिए उत्सुक हो चुके हैं कि हम भी किस तरह से इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन है, एक बहुत बड़ा एक एग्जाम मिसाल है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत गोयल, हमने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात की थी, यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता, तो उसमें एक सबसे बड़ा पहलू आता है कि ऋण लेना, लोन लेना। जब बैंक में खाता होगा तभी हम किसी औपचारिक तंत्र से ऋण लेने के लिए योग्य होते हैं, तो इस योजना ने एक व्यक्ति को बैंकिंग व्यवस्था से जुड़कर
ऋण लेने में कैसे सक्षम बनाया है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि एक बहुत बड़ी आबादी जब बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ी तो उसे ऋण के लिए तमाम अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कई बार उनका शोषण या बहुत ज्यादा ब्याज के भी मामले होते थे। तो किस तरह से इस योजना ने एक तंत्र दिया है लोगों को एक अच्छी और सुलभ और एक तरह से कहें तुलनात्मक रूप से सस्ती ब्याज दर की ऋण व्यवस्था के मामले में? देखिए, इसमें जब तक किसी आदमी का बैंक में खाता नहीं है तो उसको बैंकिंग सिस्टम का नहीं पता कि बैंक में क्या सुविधाएं हैं। अगर उसको मालूम भी है कि सुविधा क्या है तो कई बार उसकी जो बैंक की तरफ से जो नजरिया है ऐसे व्यक्ति को देखने का, जो उसका अकाउंट होल्डर नहीं है, जिसके पास कोई बैंक खाता ही नहीं है, तो बैंक को कई बार ये लगता है कि अगर मैं इसको ऋण दूंगा तो ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा, उसकी जो वित्तीय जो स्थिति है वो कैसी है वो बैंक को नहीं पता रहता। यही जब व्यक्ति का अपना खाता खुल जाता है तो वो किसी न किसी बैंक का ग्राहक बन जाता है, तो बैंक के पास एक पूरा रिकॉर्ड रहता है कि भाई उसके खाते में कितने तरह के पैसे रहते हैं, किस किस तरह के उसको इनकम आती है, कहाँ कहाँ से उसका स्रोत है, तो उसके बेस पे वो जज करता है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो कितना तक का ऋण ले सकता है, कितनी उसकी जो रीपेइंग कैपेसिटी है, कितना सूद वो है, कितना ब्याज जो कितनी किस्त वो हर महीने भर सकता है। तो डेफिनेटली अगर व्यक्ति का बैंक से लेन देन है तो बैंक को उसको ऋण देने में सहायता मिलती है। और जैसा कि आपने कहा कि पहले जब लोगों को बैंक से ऋण नहीं मिलता था तो वो जो लोकल गांव के साहूकार थे उनके पास जाते थे और बहुत ही ज्यादा ब्याज दर है 50% 60% और इवन 100% तक भी, तो उससे उनको ऋण मिलता था। लेकिन अभी जो फॉर्मल औपचारिक बैंकिंग के माध्यम से उनको 10% 15% तक के दरों पे उनको ऋण मिलता है, और साथ में जो व्यवसायी हैं जो हमारे UPI यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट के थ्रू अपना लेन देन कर रहे हैं, तो उनको तो बैंक खुद अप्रोच कर रहे हैं आज की डेट में, प्राइवेट बैंकों सरकारी बैंकों, तो उनकी जो जब एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का असेसमेंट होता है तो खुद उनके पास पहुंचते हैं कि भाई आप हमसे लोन ले लीजिए। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर किसी के पास किसी को ऋण की जरूरत है तो जनधन योजना ने उसको एक खाता देकर उसको एक इनेबलर दिया है कि वो अपनी जरूरतों को ऋण के माध्यम से पूरी कर पाए। शुभमा जी, इसी सवाल को आपसे भी बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगा कि जो सरकार अब अर्थव्यवस्था में एक विशेष पहलू ये भी देख रही है कि लोग ग्रामीण स्तर पर या जो आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग हैं अपने उत्थान के लिए स्वरोजगार को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चुने, और इसमें कई योजनाएं भी सरकार ने लागू की, मुद्रा योजना, PM स्वनिधि योजना, जिसमें कि कुछ योजनाओं में छोटे ऋण दिए जाते हैं, कुछ योजना में ठीक ठाक अच्छे खासे ऋण दिए जाते हैं बैंकों के जरिए, लेकिन इन सभी ऋण के लिए जरूरी था कि बैंक में खाता हो। तो आपको क्या लगता है कि एक सुलभ एक अच्छी ऋण व्यवस्था के लिए इस योजना का होना कितना जरूरी था, जिससे कि एक बहुत बड़े समाज के वर्ग को एक औपचारिक ऋण व्यवस्था से जोड़ा जा सके? हमने अभी तक जो डिस्कशंस किए थे वो था जनधन ने कितना मूलभूत परिवर्तन लाया है लोगों के पास, अपना कॉन्फिडेंस, अपने कैपेसिटी, अपने दायित्व और साथ में अपनी स्वनिर्भरता, ये सब चीजें आगे हैं। अभी आप जो ऋण की जो बात कर रहे हैं उस पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी जिस चूंकि जनधन एक बहुत बड़ा एक वेपन है, एक हथियार है हमारे पास, इस हथियार को अब जब इस्तेमाल किया जाएगा अगले चरण के लिए, जैसे अभी RBI ने घोषणा किए हैं यूनाइटेड लेंडिंग इंटरफेस, यानी कि लेंडिंग के जो कामकाज है बैंक से ऋण देने की जो प्रक्रिया है उसको भी जैसे यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस हुआ है उसी तरह से यूनाइटेड लेंडिंग इंटरफेस तैयार किया जाएगा, ताकि बैंक से या किसी भी और एंटिटी से जब लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा लोगों को, तो उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन का प्रक्रिया आ जाएगा। और वो स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि जनधन बेस हो चुका है, इसलिए आपके पास डिटेल्स हैं, आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री है, आपके पास लोगों के बारे में उनकी कैपेसिटी पेमेंट करने का, अपना दायित्व निभाने का, इन सब का हिस्ट्री है, इसीलिए लेंडिंग के जो पूरे जो दायरा है उस दायरा को स्मार्ट करने की तरफ RBI का ये एक बहुत बड़ा पदक्षेप है। और जैसे गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि ये यूनाइटेड लेंडिंग इंटरफेस उतना ही बड़ा रेवोल्यूशन लाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था में जिस तरह से यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने चारों तरफ QR कोड का जाल बिछा दिया है, और हम इस पर बहुत ही आग्रही हैं। साथ में एक ये भी दायित्व बन जाता है कि जब ये चूंकि ऋण देना एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एक रिस्क एलिमेंट भी साथ में रहता है,
और जनधन में जो लोग आए हैं उनका एक बहुत बड़ा तबका वो है जो पहली बार एक फॉर्मल इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं, इसलिए उनकी क्या कैपेसिटी है, उनके लिए क्या इनोवेशन करना चाहिए लेकिन साथ में क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए ताकि वो फिसल ना जाए, वो इस जो उनकी जो स्वाधीनता जो उनको मिला है, उनके पास जो पावर मिला है उस पावर का वेस्टेज ना हो, इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस पर नए नए कार्यक्रम जरूर आएंगे, लेकिन साथ में ये भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वो चीजें कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए ये रिस्क उनको संभालने से की जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा ना बन जाए। तो ये जो जिसे कहते हैं बैलेंस है, ये देखना जरूरी है। और इसीलिए मैं फिर से वही आरबीआई का जो यूनाइटेड लर्निंग इंटरफेस उसका बात कर रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म आएगा नया जो ऋण का जो पूरा एनवायरमेंट है उसको स्टैंडर्डाइज करेगा ताकि लोग उस पर खड़े होकर अगला कदम ले सकते हैं। आखिर में आप दोनों से एक एक कमेंट इस बात पर मैं चाहूंगा कि विकसित भारत के जो लक्ष्य में फाइनेंशियल इंक्लूजन को सरकार कैसे देख रही है और खासतौर पर इस योजना ने अब तक जो नतीजे दिए हैं वो हमारे लिए कितने आश्वस्त करते हैं आगे जो इकोनॉमी है उसको विकसित बनाने में और साथ ही आगे इसके क्या और परिणाम दिख सकते हैं। प्रशांत गोयल जी, सबसे पहले आप अगर एक छोटा सा कमेंट दें इस पर। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, वित्तीय समावेश, इसको सरकार ने बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता देती है और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है सरकार की। वित्तीय समावेश के साथ साथ जन सुरक्षा जो है और जन भागीदारी जो है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ें, जो बैंक के थ्रू जो भी सुविधाएं हैं वो सुविधाओं का लाभ लें और उसके साथ में वो जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए अपना योगदान दें, यही सरकार का लक्ष्य है। शुभमा जी, आप भी कुछ इस बारे में मैं चाहूंगा बताएं कि जो भविष्य है वो इस तरह की फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स के जरिए भारत को किस तरह से आगे खड़ा करने में सक्षम बनाता है। जनधन बेसिकली हमें ये बताता है कि हम वी कैन थिंक बिग, हम बड़े सपने देख सकते हैं और भारत जैसे देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए ये एक इस तरह का एक सक्षम प्रयोग था जिसको देखकर आगे इसी तरह के और भी सारे प्रयोग करने का कॉन्फिडेंस हर पॉलिसी मेकर्स के पास आ गया है। और मुझे लगता है जनधन का बहुत जो अभी बहुत सारे स्कीम्स होंगे वो सारे इसी प्लेटफॉर्म पे ही डेवलप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का, डॉक्टर प्रशांत गोयल, शुभमोय भट्टाचार्य जी, आप दोनों कार्यक्रम में जुड़े और प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर आपने उपलब्धियों के साथ साथ इसका जो भविष्य में योगदान होने वाला है, इसके जो लाभ मिलने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, उसके बारे में विस्तृत विश्लेषण आप दोनों ने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर प्रशांत कुमार गोयल, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवा विभाग, और शुभमोय भट्टाचार्य जी, आर्थिक विश्लेषक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।